हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कबीर एंड रायदास की पेंटिंग के ऊपर। सो ये हमारा मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले के तीन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, एंड दिस इज आवर फोर्थ वीडियो। हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो नेम और यू कैन से टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज कबीर एंड रायदास। पेंटर का नाम क्या है तो उस्ताद फकीरुल्लाह खान। टाइम क्या है तो 1640 एडी में इस पेंटिंग को बनवाया गया था। मीडियम क्या है तो वाटर कलर्स ऑन पेपर, और कौन सी टेक्निक यूज की गई थी तो टेम्परा ऑन पेपर। और किस मुगल रूलर के पीरियड में ये बनाया गया था तो शाहजहां। और ये जो पेंटिंग का कलेक्शन है वो कहाँ अवेलेबल है तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग का कलेक्शन अवेलेबल है। सो लेट्स टेक अ व्यू ओवर दिस पेंटिंग। सो ये है हमारी संत कबीर और रायदास की पेंटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कबीर क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने हट के बाहर बैठे हुए वो क्लॉथ्स को वीव कर रहे हैं, और उनके बगल में ये रहे रायदास जो कि ग्राउंड पे कारपेट बिछा के बैठे हुए उनके बगल में, ठीक है। और दोनों जो है इन्वॉल्व हुए हुए एक सीरियस कन्वर्सेशन में, ठीक है। और इस पेंटिंग में जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो 3D चीज़ें हैं, जिसको कि 2D पेपर पे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था, अच्छे तरीके से बनाया है कि वो रियलिस्टिक व्यू पता चल रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि इनके शेडोज हो गए, या फिर जो माउंटेन्स यहाँ पे पीछे देख रहे हो, ट्रीज देख रहे हो, या फिर यह जो किला आप देख रहे हो, वो सब इतने रियलिस्टिक वे में बनाया गया है कि एकदम रियल लग रहा है। मैटर ऑफ दिस पेंटिंग, फकीरुल्लाह खान वॉज अ नोटेड पोर्ट्रेट पेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के पीरियड के दौरान फकीरुल्लाह खान जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे एज अ पोर्ट्रेट पेंटर। द पिक्चर वॉज प्रोबेबली पेंटेड बाई फकीरुल्लाह खान एट द रिक्वेस्ट ऑफ दारा सिक्को सन ऑफ शाहजहां इन 1640 AD। सो दारा सिक्को जो की सन थे शाहजहां के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था फकीरुल्लाह खान से कि वो कबीर और जो रायदास थे उनकी पेंटिंग बनाए, ठीक है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे फकीरुल्लाह खान ने ये पेंटिंग को बनाया था, ठीक है। और दारा सिक्को जो थे ही हैड अ ग्रेट रिक्वेस्ट फॉर हिंदू सेंट्स एंड सूफीज, ठीक है। हिंदू के साधु लोग हो गए, या फिर जो हमारे मौलवीज होते हैं उनके प्रति जो है दारा सिक्को के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना थी, और इसीलिए शायद उन्होंने जो कबीर और रायदास की पिक्चर है वो बनाने का रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। नाउ कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग। इन द पेंटिंग कबीर एंड रायदास सेंट, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है तो कबीर और रायदास को दिखाया गया, ठीक है। और ऐसा दिखाया गया है कि जो कबीर है वो अपने हर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं तो वो क्लॉथ को वीव कर रहे हैं, वियरिंग धोती इन, ठीक है। और नीचे के पार्ट में उन्होंने अपने धोती पहन रखा है, और ऊपर के बॉडी पार्ट जो है उनका नाक दिखाया गया है, ठीक है। दोनों जो है रायदास और कबीर दोनों लॉस्ट है इन डीप कन्वर्सेशन ऑन सम सब्जेक्ट, ठीक है, किसी टॉपिक पे उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। द पेंटिंग ब्रिंग्स द सिंपल एंड पीसफुल लाइफ इन इंडियन विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पेंटिंग के थ्रू में दिखाया जा रहा है कि इंडियन विलेजेस में लाइफ कितनी सिंपल और शांतिपूर्ण होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको मेंशन करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको पता है पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पेंटिंग है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेज। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि संत कबीर और रायदास की जो पेंटिंग थी वो हमें इसके बारे में बताती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमा के आता है। वेयर वर्क एंड वर्कशिप गो हैंड इन हैंड, ठीक है। जहाँ पे काम और जो पूजा होती है वर्कशिप, वो सब हाथों हाथ होती है, ठीक है। द हर्ट ऑफ द संत एंड द लैंडस्केप रिप्रेजेंट्स द रूरल लैंडस्केप ऑफ इंडियन विलेजर्स। जो इस पेंटिंग में हमें जो कबीर की जो हर्ट दिखाई गई है, जो उसकी झोपड़ी टाइप की जो सा घर है वो दिखाया गया है, और जैसा उसके आसपास का लैंडस्केप दिखाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इंडियन विलेजर्स की जो लैंडस्केप होती है, एक रूरल लैंडस्केप जो होती है इंडियन विलेज की, वही हमें शो कर रहा है उस पेंटिंग में। इन द पेंटिंग डिफाइन रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव हैव बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन द राउंडिंग ऑफ द हर्ट एंड एटमोस्फेयर ऑफ द बैकग्राउंड।
यहाँ कहने का सेंस है रूल्स ऑफ द पर्सपेक्टिव मींस कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी सारी ऐसे चीजें हैं जो 3D हैं, ठीक है, उनको इन्होंने एक पेपर पे रिप्रेजेंट करके इतना रियलिस्टिक वे में दिखाया है कि एकदम रियल लग रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए यहाँ पे बोला कि यूज किया गया रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव हैव बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड हो या फिर जो उसके हर्ट को जो जिस हिसाब से उन्होंने राउंडरिंग जो ऊपर के उसके रूफ को राउंडरिंग दिया है वो एकदम रियल वे में लग रहा है, ठीक है, शेडोज बनाया वो भी एकदम रियल वे में बनाया है, ये जिस टाइप से उन्होंने इस हर्ट को राउंडरिंग किया है आप देख सकते हो, ये देखने में एकदम रियल लग रहा है। या फिर जिस हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा ये ऊंचा ये पहाड़ टाइप का जो ये बनाया है ये देखने में तो पिक पेपर पे बनाया गया बट इस टाइप का लग रहा है कि 3D फिगर की तरह ये शो हो रहा है, ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने डेप्थ दिया है इस वाटर को, इस वाटर बॉडी जो है इसका, वो जिस हिसाब से उन्होंने प्लांट के साइज को दिया है, ये सब उन्होंने एक रूल ऑफ पर्सपेक्टिव के हिसाब से एकदम करेक्टली बनाया है, ठीक है, जो कि एकदम रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। सो इन दिस पिक्चर संत कबीर इज सोन इन वीविंग क्लॉथ्स आउट ऑफ हिज हर्ट, इस पिक्चर में दिखाया गया कि संत कबीर जो है वो कपड़े वीव कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े बुन रहे हैं उनके घर उनके हर्ट के बाहर बैठ के, ठीक है, उनके क्लोज में रायदास जो है वो एक कारपेट ग्राउंड पे कारपेट बिछा के उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और दोनों सन्स जो है वो उन्होंने अपने सर पे टर्बन्स को टाई कर रखा है, ठीक है, ऑन हिज एज यू कैन सी संत कबीर ने भी यहाँ पे टर्बन अपने हेड पे बांध रखा है और ये जो रायदास है उन्होंने भी यहाँ पे अपना टर्बन बांध रखा है। ट्रेसिंग ऑफ द हर्ट इज क्लियर, द पेंटर सीम्स टू बी सक्सेसफुली मेकिंग द पिक्चर ऑफ लाइफ विथ न्यूमरस सेट्स ऑफ ओनली ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, द पेंटर हैज यूज ओनली द न्यूमरस सेट्स, ठीक है, सेट्स का चेंज करके बट कलर तीन ही उन्होंने यूज किया है, ब्राउन ब्लैक और व्हाइट कलर, ठीक है, इस और पेंटिंग को एकदम रियलिस्टिक व्यू दिया है, ठीक है। ऑन ऑल द फोर साइड पिक्चर द पेंटर हैज ड्रॉन बॉर्डर, चारों साइड जो है उसने पेंटर ने क्या किया तो बॉर्डर बनाया है विथ सफिशियंट बाई सफिशियंटली यूजिंग द टू कलर्स, ठीक है, दो कलर उन्होंने यूज किया है और चारों साइड में बहुत ही ब्यूटिफुली बॉर्डर ड्रॉ किए हैं। Now the color scheme of this painting. In this painting, different shades of brown, black and white color is used. Different shades of brown, black and white color is used and the border of the painting is painted in black color. Border ko black color mein paint kiya gaya hai, theek hai? So this was all for this painting. Hope aapko video pasand aayi hogi. Video pasand aayi hai to like aur subscribe zarur karna.